हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको बताने जा रहे हैं, सेकेंड वीडियो है ये। फर्स्ट जो है हम बता दिए हैं, गैस कर रहे हैं 100 क्वेश्चन, 100 इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन गैस किया जा रहा है, जिसमें से फर्स्ट वीडियो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको जो हम बना दिए हैं, पहले बता दिए हैं। आज सेकेंड वीडियो है, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन आपको हम बताने जाएंगे बोर्ड के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए, फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बताया जाएगा 100 इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। और उसका आंसर भी हम आपको बताएंगे, ऐसा नहीं सिर्फ क्वेश्चन ही बताएंगे, आंसर भी बताएंगे, ठीक है ना। आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एमपी जॉन रनेश सर, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और आज देखते हैं कौन सा क्वेश्चन होने वाला है। उससे आगे जहां तक बता दिए थे उससे आगे होगा, ठीक है ना। तो तीन क्वेश्चन हम जो है फर्स्ट वीडियो में बता दिए थे, आज चार नंबर से स्टार्ट होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार, चौक कुंडली क्या है और इसका उपयोग को समझाइए। दोस्तों चौक कुंडली जो है यह एक विद्युतीय उपकरण है, यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित करने या कम करने में किया जाता है। और एक आदर्श चौक कुंडली का प्रतिरोध शून्य होता है। अब जैसे क्या है, किसी प्रत्यावर्ती धारा में प्रवाहित हो रहा है धारा, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि धारा को जो है डिस्टर्ब करता है, धारा को रोकता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का काम क्या होता है, धारा को रोकना। जैसे मान लीजिए क्या कि धारा जो वोल्टेज क्या करता है, धारा को क्या करता है, पावर देता है। मतलब क्या, वोल्टेज धारा को धकेलता है आगे की ओर। और क्या होता है, फिर प्रतिरोध क्या करता है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रतिरोध क्या करता है, हमको पीछे की ओर धकेलता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि ऊर्जा खपत होता है, ऊर्जा की हानि होता है, उष्मा ऊर्जा की हानि होता है, विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में हानि हो जाता है, ठीक है ना। तो इस हानि को रोकने के लिए हम लोग चौक कुंडली का उपयोग करते हैं। ये चौक कुंडली क्या करता है, ये ऊर्जा के हानि को रोकता है, ये हानि होने नहीं देता है और धारा को रोक देता है, समझे। मतलब ये हानि को, ऊर्जा में हानि भी नहीं हो रहा है और धारा भी क्या हो रहा है, रुक रहा है, या धारा को नियंत्रित करके रखा हुआ है। चौक कुंडली का ये काम होता है। प्रतिरोध का क्या काम होता है, धारा को तो रोकता है लेकिन उसमें उष्मा ऊर्जा क्या होता है, खपत होता है, जिससे क्या होता है, एनर्जी खपत होता है, जिससे हम लोगों को लॉस होता है। लेकिन चौक कुंडली क्या करता है, धारा को रोक देता है या नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, और इसमें जो है ऊर्जा खपत नहीं होता है, ऊर्जा हानि नहीं होता है। ऊर्जा क्या, वही बात हमने लिखा है कि यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने या कम करने में किया जाता है। नोट, आदर्श चौक कुंडली में प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक, एक चौक कॉइल इज एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस व्हिच यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग करेंट इन एन एसी सर्किट, विदाउट वेस्टिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल चौक कॉइल इज जीरो। तो इस प्रकार से, और इस कुंडली को, इस चौक कॉइल को, कुंडली को बनाया कैसे जाता है, तो बनाने के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से हम कॉइल लेते हैं, इस प्रकार से ये हम लोग पढ़े थे, कहां ये हम लोग पढ़ते हैं, स्व प्रेरक में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको हम लोग एल से लिखते हैं, एल से, ठीक है ना। इसी का वैल्यू होता है, इसी का मात्रक होता है, यूनिट होता है हेनरी, क्या होता है, हेनरी होता है। तो इसमें पढ़ते, इसमें क्या होता है, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक जो है ना, एक बेलन लेते हैं, धातु का एक बेलन लेते हैं, और उस पर क्या करते हैं, एल्युमिनियम का तार या ये तांबा का तार क्या करते हैं, उसको लपेट देते हैं। तो वहां पर इसको हम, जिस पर लपेटते हैं उसको क्रॉड कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रॉड कहते हैं। और वो लेमिनेटेड होता है, पटलित क्रॉड होता है। पटलित क्रॉड क्यों बनाया जाता है, मतलब इस प्रकार से एक बेलन है ना, उसमें तीन चार बेलन को क्या किया जाता है, पटलित कर लिया जाता है, मतलब वार्निश से जोड़ दिया जाता है, और उस पर क्या किया जाता है, लपेट दिया जाता है, क्या, तार लपेट दिया जाता है, तांबा का एल्युमिनियम का तार लपेट दिया जाता है, वार्निश से जोड़ दिया, जिससे क्या होता है, भंवर धारा कम हो जाता है।
भंवर धारा कम हो जाता है और ऊर्जा की हानि कम होती है। इसलिए आइए देखिए क्रॉड इस प्रकार से, क्रॉड है ये, क्या है आपका क्रॉड, ये क्या है आपका, ये क्रॉड है आपका, ये क्रॉड इसी पर क्या होता है लपटा हुआ रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं कौर बोल क्रॉड, पटलित क्रॉड बोलते हैं, पटलित पटलित क्रॉड, लेमिनेटेड लेमिनेटेड कौर, ठीक है ना। पटलित क्यों, पटलित कैसे हो गया, पहले एक कौर था लेकिन अब क्या हो गया पटलित हो गया, अब क्या हो गया पटलित, पटलित कैसे हुआ तो हम आपको बोले क्या पटलित में क्या होता है कि तीन चार छर को या क्या बोल सकते हैं उसको बेलन को क्या करते हैं हम एक साथ वार्निश से जोड़ देते हैं, जिसको जिससे क्या होता है भंवर धारा कम हो जाता है, इसी को बोलते हैं पटलित क्रॉड कहते हैं, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये तो कॉइल है आपका, ये क्या है आप, ये कॉइल है आपका, ये क्या है कॉइल है आपका। तो इस प्रकार से बनता है चौक कुंडली, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो आप दिखाई पड़ रहा है उसको क्या कीजिए आप स्क्रीन शॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक तथा विमाओ यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू होता है दोस्तों बी इंटू ए होता है, क्या होता है बी इंटू ए, बी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और इसका होता है एफ बाय एम नोट होता है, ठीक है। इसका मात्रक होता है चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है, इसका होता है बल का होता है न्यूटन और इसका होता है एम नोट का होता है एम्पियर इंटू मीटर होता है दोस्तों, इसका टेस्ला भी होता है, क्या होता है टेस्ला भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक टेस्ला भी होता है। तो पहले हम एसआई यूनिट निकाल लेते हैं, एसआई यूनिट देखिए क्या हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा एसआई, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बी, तो बी का क्या होता है बोलिए तो न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर होता है, ठीक है, या टेस्ला भी होता है। और देखिए यहां जरा सा इसका ए, ए मतलब ए यहां पर एरिया है, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई का हो जाएगा मीटर और चौड़ाई का भी हो जाएगा मीटर, तो मीटर स्क्वायर इसका हो गया क्या मीटर स्क्वायर, तो एक और एक कैंसिल हो जाएगा तो फाइव इजकल टू क्या आया न्यूटन मीटर पर एम्पियर आ जाएगा। या इसका एक और हो सकता है मात्रक बी का होता है टेस्ला भी, तो टेस्ला हो जाएगा आपका टेस्ला और इसका हो जाएगा क्या मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक और होता है फाइव का वेबर होता है, क्या होता है वेबर, जिसको हम लोग लिखते हैं डब्ल्यू बी से लिखते हैं, किसे लिखते हैं डब्ल्यू बी से। अब हम लोग इसका देख लेते हैं डायमेंशन, देख लेते हैं बीमा, देख लेते हैं डायमेंशन, डायमेंशन डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा देख लीजिए जरा सा डायमेंशन, तो यहां देखिए जरा सा न्यूटन है तो न्यूटन का होता है क्या, न्यूटन का होता है एम एल टी माइनस टू होता है, ठीक है ना। और एम एम मतलब लंबाई, लेंथ लेंथ लिखते हैं एल से लिखते हैं, और यहां जो है ए जो है ए यहां पर एम्पियर है तो एम्पियर को लिखेंगे दोस्तों ए से लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए एम एल एल तो एल स्क्वायर हो जाएगा टी माइनस टू, और देखिए ये ए ऊपर जाएगा ना तो ऊपर जाने के बाद क्या होता है पावर में वन है तो ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाता है, ठीक है ना माइनस वन। तो ये आपका इस प्रकार से आपका निकल गया, ये 5 नंबर क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ सेकेंड प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखिए जरा सा क्या होता है, सबसे पहले हम कैपेसिटर बनाते हैं दोस्तों, ये आपका कैपेसिटर जो आपको पंखा में जो कंडेंसर लगाया था कैपेसिटर जो लगा था वही कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया प्लेट ए, ये हो गया आपका प्लेट बी हो गया दोस्तों। अब क्या है यहाँ पर देखिए, इस पर एक पर प्लस चार्ज होता है एक पर माइनस चार्ज होता है, इस पर प्लस चार्ज दिया जाता है अलग से, ठीक है ना, और इस पर होता है माइनस चार्ज, और इसको एक पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया जाता है, पृथ्वी से अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है, यही आपका कैपेसिटर है दोस्तों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटर ऐसा कुछ मतलब दोस्तों। कहता है सेकेंड प्लेट का यहाँ क्या काम है, ये फर्स्ट प्लेट तो था ही, इसको तो हम दे रहे हैं चार्ज, सेकेंड प्लेट का क्या कार्य, तो सेकेंड प्लेट का कार्य यही है दोस्तों कि ये क्या करता है पहले प्लेट के विभव को कम करता है, और विभव जैसे ही कम होगा तो इसमें आवेश लेने की शक्ति बढ़ जाती है। तो लिखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे कि यह कैपेसिटर के पहले प्लेट के विभव को कम करता है और धारिता को बढ़ा देता है, इट डिक्रीजेज पोटेंशियल एंड इंक्रीजेज कैपेसिटेंस ऑफ
फर्स्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ये पहले प्लेट के विभव को कम करता है और पहले प्लेट के धारिता को बढ़ा देता है। भी जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर होता है क्यू बाय बी होता है, सीधी सी बात है। तो विभव को जैसे ही कम करेगा तो धारिता तो बढ़ जाएगा, उल्टा है ना। तो बस यही चीज लिखना है कि यह धारिता को बढ़ाता है और विभव को कम करता है, बस। तो दोस्तों हमने लिख दिया यह संधारित्र के पहले प्लेट के विभव, पहले प्लेट के का विभव कम तथा धारिता बढ़ा देता है, बस इतना लिखना है दोस्तों, आपको दो नंबर मिल जाएगा। इन इंग्लिश इट डिक्रीजेज द पोटेंशियल एंड इंक्रीजेज द कैपेसिटेंस ऑफ द फर्स्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटर। तो दोस्तों फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। बस एक ही विनती है आपसे कि आप बस अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए और बराबर देखते रहिए। और मेरा काम है इस कोर्स को पूरा करना, इसको हम पूरा करेंगे। फिर लॉन्ग टाइप भी आपको बताना है, मतलब लॉन्ग टाइप बताना है, ऑब्जेक्टिव बताना, सारा काम करेंगे आपको हम। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए। फिर मिलते हैं।